नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। सिडबी का सेकेंड टेस्ट सीरीज लेकर के मैं आ चुका हूं और चलिए हम अन्य बातें न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 16 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही आया, ये ऑप्शन सी करेक्ट होता है, अनुच्छेद 21 का ए। चलिए आपकी स्क्रीन पे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रिस्काय, शुडोलकाय, गोलकाय, उपयुक्त सभी। बताइए गाइस, कौन सा सही होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? चलिए, बहुत सही जवाब आपने कहा सर, उपयुक्त सभी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। बताइए गाइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है? बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि सर ऑप्शन बी यहां पर सही होता है, अभिक्षमता। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। चलिए, ये जवाब आपका आया, आपने कहा सर स्मृति का, किसका, स्मृति का। चलिए, तो जब यहां तक का जवाब क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं गाइस। आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। बताइए गाइस। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा सर, ऑप्शन ये करेक्ट होता है, अंतर्दर्शन। चलिए, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे लेते हैं और ये स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? बताइए गाइस, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। आपका जवाब बिल्कुल सही आया, ऑप्शन ए सही होता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड थे ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अधिगम वक्र पठार बनता है, ए परिपक्वता के कारण, बी अभिप्रेरणा के कारण, सी थकान के कारण और डी अभिरुचि के कारण। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, ऑप्शन ए और बी में करण लिख दिया गया है तो इसको इग्नोर करिएगा। तो जवाब हमारा जो आता है, चलिए हमारा जो जवाब आता है इसमें रहा सी, थकान के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं गाइस, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। बताइए गाइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? ऑप्शन बी सही होता है, अधिगम अंतरण। ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बताइए, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। जवाब आपका आया ऑप्शन बी सही होता है, व्यक्तित्व। चलिए, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे लेते हैं और यहां पे क्वेश्चन नंबर ये रहा 10, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी, 6PF, रवेन का परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। बताइए गाइस। चलिए, आपका जवाब आया कि सर इसमें सी ऑप्शन जो है सबसे अलग है,
सी ऑप्शन जो है सबसे अलग है, रवेन का परीक्षण, क्योंकि थोड़ा सा इस पर हम विस्तृत व्याख्या कर देते हैं। टीएटी की टीएटी, 6PF तथा ड्राई एमैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रवेन का परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो आपका एक जो है माधिका निकालना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माधिका है, और जब माधिका आप निकालेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा गाइस, निकाल कर देख लीजिएगा, 9.5 ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्ट्री, स्किनर, बताइए गाइस। शाबाश, आपने कहा सर ऑप्शन बी सही होता है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ये रहा स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन 13। मैकडूगल के अनुसार प्रतीक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, आपका है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन, बताइए गाइस इसमें कौन सा सही हो रहा है। आपका जवाब आया बहुत सही, आपने कहा सर बी संवेग। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना, बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो रहा है। बहुत अच्छा, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, इसका सूत्र होता है, सूत्र पर जब आप निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन सही हमारा आएगा वो आएगा 160। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षा योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, बताइए किसका बताना आपको, मंद बुद्धि वाले का, बताइए गाइस मंद बुद्धि वाले का कौन सा होगा। ये रहा आपका ऑप्शन, इसे मिला लीजिएगा, 81 से 90 जो होते हैं वो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता? बहुत अच्छा, आपका जवाब है सर व्यक्तित्व। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदंत को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने के विधि से संबंधित है कहलाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता, ऑप्शन आपका जो सही होता है ए सांख्यिकी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, बताइए। सीखने में कमी, थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, बताइए। शाबाश, ये रहा गाइस, आपने बहुत सही जवाब दिया, स्मरण करने की इच्छा। इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी, बताइए। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, आपने कहा सर डी सिरिल बर्ट, किसने दिया था, सिरिल बर्ट ने दिया था। यहां तक का क्वेश्चन हो गया तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तु निष्ठता,
अविक्षमता। बताइए गाइस, और यहां पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, बहुत अच्छा आपने बताया, अविक्षमता। क्या बताया? अविक्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन रहा 22। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत? बताइए गाइस। बहुत अच्छा, प्रत्यागमन सिद्धांत ये नहीं है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे 23। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। आपका जवाब बहुत सही आया, लार ग्रंथि। कौन सा? लार ग्रंथि। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा मिस्टेक इसमें कर दिया टाइपिस्ट ने। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियता की अवस्था, पूर्व संक्रियता की अवस्था, मूर्त संक्रियता की अवस्था। बताइए गाइस। बहुत अच्छा आपका जवाब आया, ऑप्शन सी सही होता है, पूर्व संक्रिया की अवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपयुक्त सभी। बताइए। आपका जवाब आया कि सर इसमें तो उपयुक्त सभी होगा। बहुत सही जवाब दिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 26। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? बताइए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए गाइस। इसका जो सही ऑप्शन होता है ये ए होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? बताइए, ड्यूई, रास, वुडवर्थ, ड्रेवर। शाबाश, आपका जवाब आया कि सर ड्यूई। अगला क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं 28। आगमनात्मक तर्क के अस्त्रों में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए। बहुत सही जवाब आपका है सर, कल्पना। क्या शामिल नहीं है? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 29। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विस्मरण, अस्मरण, धारणा, चिंतन। बहुत अच्छा, विस्मरण होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल विलियों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्रकृतिक होती है केवल कलाकारों में। बताइए गाइस, इसमें से कौन सा सही हो रहा है? आपका जवाब बिल्कुल सही आया, आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्रकृतिक होती है। तो ये रहा सीडीपी का हमारा सेकेंड टेस्ट सीरीज। फिर अगला टेस्ट सीरीज मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। Thanks for watching my video.